जीविका जब किसी नए गांव में प्रवेश करती है, उस वक्त सीआरपी का कार्य उस गांव के गरीब से गरीब घरों की महिलाओं को जीविका के संबंध में जानकारी प्रदान करना तथा उन महिलाओं का समूह बनाना, ताकि आगे चलकर जीविका उन समूहों के माध्यम से अनेक स्वास्थ्य संबंधित कार्य तथा आय संबंधित कार्य से उन महिलाओं का जीविकापार्जन करा सके। सरिता दीदी। जी दीदी। हाँ, यही आपका घर है दीदी? जी दीदी, यही मेरा गांव है। आपका यही गांव है? जी। जो दीदी हमारी समूह से नहीं जुड़ी हुई है, वहाँ हमको ले चलिए। ठीक है, चलिए दीदी, दिखा देते हैं। हाँ चलिए दीदी, चलिए चलिए। चलिए दीदी, यहाँ पर किरण दीदी है, बात कीजिए। ठीक है दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। दीदी आपके गांव में हम आए हैं, कुछ समूह बनाने के बारे में बताएंगे। दीदी कल हम मीटिंग रख रहे हैं राम टोली में 11 बजे। दीदी आप आ जाइएगा उसमें। ठीक है दीदी, हम कल आएंगे वहाँ। मेरा दीदी यही है। नमस्ते दीदी, मेरा नाम बबीता है दीदी। क्या बात है दीदी? हम आपके गांव में राम टोली में 11 बजे मीटिंग रखे हैं। क्या चीज की मीटिंग रखे हैं दीदी? दीदी उस मीटिंग में आप आइएगा। हम नहीं आ पाएंगे दीदी। क्यों दीदी? क्या कि हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं कहीं जाते हैं, गर्भवती महिला है, कहाँ जाएंगे हम ऐसे देह लेकर। आपको कितना बच्चा है? 4 बच्चा है दीदी, 3 लड़की है, 1 लड़का है, ये 5वां बच्चा है। दीदी आपके 5वां बच्चा है? हाँ 5वां बच्चा है। अच्छा। छोटा बच्चा है दीदी। अच्छा। उसको पीलिया हो गया। अच्छा, तो हम उसको छोड़ कर कैसे जाएंगे दीदी? दीदी जब छोटा बच्चा को पीलिया हो गया तो दीदी पैसा कहाँ से लाए हैं? पैसा लाए हैं सौकार से लाए हैं पैसा। कैसे परसेंट दीदी देता है? 10 रुपये सैकड़ा सौकार दिया है दीदी। दीदी हमको पति भी बाहर रहते हैं, पैसा हम कहाँ से लाएंगे? हमको कर्जा उठाने में डर लगता है दीदी, बच्चा भी बीमारी है। अच्छा ठीक है दीदी, कल आप मीटिंग में आइएगा तो दीदी हम आपके लिए कुछ जरूर सोचेंगे। दीदी क्या चीज मदद करिएगा मीटिंग में आएंगे तो? दीदी कल का मीटिंग रखेंगे, उस मीटिंग में आप आइएगा, उसी जगह आपको सारा चीज का जानकारी मिलेगा। ठीक है दीदी, हम आएंगे। अभी जो गर्भवती दीदी थी अभी तक आई ही नहीं है। आ जाएगी है ना? उसको तो कल तो अच्छा से समझाया गया है ना, आ जाएगी। अभी तक तो नहीं है, नहीं आई है वो दीदी। वही दीदी को इंतजार में है हम। आ जाएगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। देखिए दीदी, मीरा दीदी आ गई है, बैठिए मीरा दीदी। दीदी आपको इस मीटिंग में इसलिए बुलाए हैं, जो एक संस्था है जीविका, आप लोग तो ये जीविका का नाम कहीं ना कहीं सुनते ही होंगे, जो ये गरीब से गरीब दीदी को जोड़ने का काम करती है। दीदी इस गांव में जो सबसे गरीब दीदी हैं उसको एक समूह बनाया जाता है, और एक समूह 10 दीदी 12 दीदी को हम गठित करते हैं, जो हम गरीब दीदी हैं उसको हम गठित करते हैं और उसमें मजबूती लाते हैं। दीदी जैसे समूह में जुटकर सभी दीदी उनका जो भी समस्या होता है सभी दूर हो जाता है, जो छोटा हो या बड़ा समस्या हो सभी दूर हो जाता है। दीदी जो इधर उधर सभी दीदी जो हमारी गरीब दीदी हैं जो जुड़े नहीं थे, तो इस संस्था में जुड़कर सामाजिक विकास होता है, स्वास्थ्य जो है, हमारी दीदी उधर जाती है इधर जाती, एक साथ रहती है तो उनका स्वास्थ्य पर भी सभी दीदी ध्यान देते हैं। दीदी
आप पहले अलग अलग दीदी थे, अलग अलग घर का अलग अलग दीदी थे, अब हम सभी दीदी समूह में जुड़कर 10-12 दीदी मिलकर आपका जो जितना भी दुख है हम सभी दीदी मिलकर एकता की कदम बढ़ाएंगे, हम सभी दीदी एकता में रहेंगे, एक साथ हम सभी बहनें मिलकर एक साथ रहेंगे, जीविका जीवन का आधार है। दीदी ये बताइए आप लोग कर्ज किससे लेते हैं? दीदी पड़ोसी से लेते हैं कर्ज, जो लगाता है कर्जदार साहूकार जो होता है उससे लेते हैं। कोई कोर कुटुम है, कोई कोर कुटुम से भी ले लेते हैं, कभी इमरजेंसी में रिश्तेदार से भी लेते हैं, कोई साहूकार से लेते हैं, पैसा वाला है उसी से ले लेते हैं पैसा। दीदी जो आप कर्ज लेते हैं किस लिए कर्ज लेते हैं? दीदी घर को खर्चा चलाने के लिए लेते हैं कर्ज, बीज के लिए लेते हैं। दीदी हम छोटा बिजनेस करने के लिए रुपया ले लेते हैं। हम बीमारी के लिए कर्ज लेते हैं, बच्चा बार बार बीमार पड़ता है इसलिए कर्जा लेना पड़ता है। दीदी दीदी शादी विवाह में भी कर्जा लेना पड़ता है, और किसी का वृद्ध आदमी का मृत्यु भी हो जाता है तो उसमें भी कर्जा लेना पड़ता है। दीदी पूजा पाठ और त्यौहार में भी कर्जा ले लेते हैं। दीदी सब में तो कर्ज लेते हैं मगर खास करके बीमारी में ज्यादा बीमारी में लेते हैं। सही बात है, ये तो सही बात है। दीदी जो आप कर्ज लेते हैं कितना दिन में चुकाते हैं, कोई दिक्कतों भी आती है दीदी कर्ज लेने? अरे दीदी क्या बताएं, कर्ज चुकाने में तो बहुत समस्या आती है, घर के चलाते हुए कर्ज चुकाना पड़ता है, वो तो निश्चित हो जाता है 2-3-4 साल तक हो जाता है। दीदी दीदी हम कर्ज जो लिए हैं और 2-3 साल नहीं हम चुका पाए हैं तो हमको ब्याज ज़्यादा लग जाते हैं। दीदी आप ये बताइए आपके घर में कितना सदस्य हैं? दीदी हम तो दीदी 5 सदस्य हैं। मेरे घर में 6 सदस्य। हमको घर में 4 सदस्य हैं। हमारे घर में दीदी 8 सदस्य हैं, सास ससुर हैं, 4 बच्चे हैं, सब मिलाकर को 8 सदस्य हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं कमाने वाले? दीदी हमको कमाने वाला 2 है दीदी। हमारे घर में तो दीदी 1 ही है। हमारे घर में दीदी कमाने वाला 1 है। हमारे घर में दीदी कमाने वाले 3 हैं। बताइए आप लोग के 2 से ज़्यादा बच्चा किसके किसके पास है? दीदी हम सबके पास। दीदी आप सब में से कितना दीदी का बच्चा स्कूल जाते हैं? दीदी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने का मन नहीं करता है कि? दीदी मन तो करता है लेकिन मेरा पास पैसे नहीं तो बच्चा की स्कूल कैसे भेजेंगे? इतने का बच्चा बीमार रहते हैं और उनके सेहत के लिए आप लोग चिंता में रहते हैं। दीदी जब आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो कहाँ लेकर जाते हैं? डॉक्टर के पास। दीदी जब आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो कितना खर्च होता है दीदी आप लोग को? 2000 कभी लग जाते हैं दीदी बीमार, कभी कभी 7000 लग जाते। दीदी हमको तो बीमारी में बहुत पैसा लगता है, कभी 10000 लगता है, 20000 लग जाते हैं। दीदी बीज के लिए बचाते हैं थोड़ा, अगर कोई बीच में बीमार हो जाते हैं तो भी खर्च हो जाते हैं उसी में, उसके बाद भी दीदी पैसा नहीं पुरता है तो उधारी लेना पड़ता है। दीदी आज हम चर्चा करेंगे कि जीविका में जुड़कर कितना आमदनी और स्वास्थ्य को कैसे सुधार करेंगे। दीदी आप लोग तो जानते ही होंगे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, वह जीविका में जुड़कर ये सब बात बताए जाए। जब हम स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हम स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो कमाएंगे नहीं तो खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? जो दीदी थोड़ा मोड़ा भी कमाएंगे वह बीमारी में भी खर्च हो जाएगा, फिर उधार भी लेना पड़ेगा। छोटे छोटे बात पर ध्यान नहीं देंगे तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और गरीबी के दलदली में हम फंस जाएंगे। दीदी जीविका के जुड़ने के बाद काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। दीदी आपके ज़रूरत के अनुसार पर कम दर में आपको उधार भी मिल जाएगा। जब दीदी आप बीमार पर जाते हैं तो साहूकार के पास कर्ज लेते हैं और ज़्यादा ब्याज में लेते हैं, जब आप दीदी समूह में जुड़ जाइएगा तो कम दर पर ब्याज पर आपका पैसा मिलेगा, और समूह में आइएगा तो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी लीजिएगा और दीदी उतना बीमार नहीं पड़िए। जो हम कमाई करेंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा
बचत रखेंगे अपने घर में बचत करके, उसी में से हम जब दीदी हम समूह में जुड़ जाएंगे तो उसी बचत में से फिर हम समूह में 10 रुपया चाहे 5 रुपया बचत करेंगे, और बचत करके उसमें जब जरूरत लगेगा तब हम जरूरत के अनुसार पर उसमें से हम कर्ज लेंगे और कम ब्याज पर। इसीलिए दीदी जीविका में समूह बनाने के लिए बोलते सब दीदी जुड़ जाएंगे। हाँ दीदी, अच्छी बात। हाँ दीदी, ठीक है दीदी, अब आप सब लोग समूह में नाम लिखाइए। हाँ दीदी, अब अपने परिवार वाले को भी प्रेरित करेंगे समूह में जुड़ने के। दीदी हम समूह बनाएंगे तो सभी दीदी हम एकजुट हो जाएंगे और जीविका को आगे बढ़ाएंगे, और जब जीविका को आगे बढ़ाते हुए सभी दीदी में एकता लाएंगे। जीविका का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं समूह से जुड़कर संगठन को मजबूत करें और सशक्त हो, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो, साप्ताहिक बचत कर आपस में लेन देन करें और समूह बैंक से जुड़े, साथ साथ आजीविका के साधनों से जुड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हों।